विधायक हैं वो किस तरीके से रघुपति राघव राजा राम भजन गाकर एक तरीके से विरोध जता रहे हैं। राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोका गया है और उसके बाद राहुल गांधी ने विरोध जताया और जमीन पर वो बैठे हुए हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने एक बड़ा दांव चला है जिससे बीजेपी धराशायी नजर आ रही है। बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि इस यात्रा को रोक दिया जाएगा और किसी को इसकी खबर भी नहीं लगेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार अगर किसी भी चैनल पर आप देख रहे हैं तो खबरें जो है वो गायब है। एक दो चैनल है जो सच्चाई दिखा रहे हैं, उसी चैनलों पर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से राहुल गांधी के साथ अन्याय हो रहा है और किस तरीके से राहुल गांधी को रोका जा रहा है। विपक्ष को रोकने का काम आज की बीजेपी की सरकार कर रही है, यह साफ नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने यह साफ तौर पर बता दिया है कि किसके आदेश पर असम की सरकार काम कर रही है और क्यों राहुल गांधी को रोका जा रहा है। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है सबसे पहले वो बयान आपको सुनाएंगे और उसके बाद बताएंगे कि राहुल ने वो कौन सा दांव चला है जिससे बीजेपी धराशायी हुई है। सुनिए राहुल गांधी का बयान। I was invited there on the 11th and then I think they've been pressurized. So now we're asking if Gaurav can go because he's the local MP. So they're finding out. They've obviously been ordered from on top. They don't want me to go. तो आपने सुना राहुल गांधी ये बता रहे हैं कि ऊपर से आदेश आया है। गौरव गोगोई मंदिर में गए और जिस अनुष्ठान की बात कही जा रही थी कि मंदिर में अनुष्ठान चल रहा है, श्री श्री शंकर देव जन्मस्थली पर जाना चाहते थे राहुल गांधी, पहले से ही पूरा प्लान बन गया था, सुबह ही प्लान बता भी दिया गया, लेकिन उसके बाद असम की सरकार ने किस तरीके से इस यात्रा को रोका। और जब सवाल उठे तो हिमंत बिस्वा शर्मा ये कह रहे हैं कि ये राम राज्य है। अब इसी पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर डॉक्टर दीपक पाचवोट जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमलेंदु जी, दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये तस्वीरें सीधे असम से आ रही हैं। असम में किस तरीके से राहुल गांधी को रोकने की कोशिश हुई है, एक बड़ी साजिश जो बीजेपी रच रही है, लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मणिपुर से जब यात्रा की शुरुआत हुई और तभी मैंने ये सवाल खड़े किए थे कि जिस तरीके से अड़ंगे लगाए जा रहे हैं, जो व्यवधान पैदा किया जा रहा है, आगे भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं। और अभी यात्रा असम में ही है और असम में किस तरीके से यात्रा को रोकने की कोशिश हुई है। हालांकि अब कांग्रेस का जो है वो कहना है कि हम यात्रा 2 बजे से शुरू कर रहे हैं, यात्रा जो है वो शुरू भी हो रही है, लेकिन जिस तरीके से यात्रा को रोका गया, राहुल गांधी को वहां पर विरोध प्रदर्शन करना पड़ा और पुलिस वालों से भी कहा सुनी हुई, ये जो तस्वीरें आ रही हैं ये बता रही हैं कि लोकतंत्र पर खतरा जिसकी चर्चा विपक्ष कर रहा था वो नजर भी आ रहा है। निश्चित तौर पे आचल जी, ये लोकतंत्र पर खतरा ही है और खासतौर से आज के दिन, जिस दिन जो है वो अयोध्या में ये कार्यक्रम होना था प्राण प्रतिष्ठा का, और उस दिन अगर किसी शिव भक्त को किसी मंदिर में जाने से रोका जाए तो इससे बड़ा अधर्म का काम कोई नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की असम सरकार ने घोर जो है अधर्म का काम किया है, क्योंकि राहुल गांधी एक मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जाना चाहते थे और उनको पूजा अर्चना करने से रोका गया है। अब ये जो शास्त्रों में बताया गया है और सब कथाएँ जो हम लोग सुनते हैं कि कोई पूजा में जाता था तो कौन लोग विघ्न डालते थे, तो अब ये भारतीय जनता पार्टी तय कर सकती है कि वो विघ्न डालने वाली है और किस तरीके से उसको क्या निरूपित किया जाए, ये अब उनका मसला है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी को रोकने की कोशिशें की गई, यात्रा को रोकने कोशिश की गई, पहले उसकी अनुमति दी गई, उसके बाद फिर जो है वो रोका गया और उसके बाद राहुल गांधी सड़क पर ही बीच में बैठ गए और फिर रघुपति राघव राजा राम गाने लगे उनके साथ के तमाम लोग। तो ये सब चीज जो है वो दर्शाती है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी की इस यात्रा से डरी और घबराई हुई दिखाई पड़ रही है। और आज के दिन भी, जिस दिन एक कहा जाए कि ईश्वर का दिन था, उस दिन भी अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के कुकृत्य करती है तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। ये धर्म विरुद्ध भी हैं, लोकतंत्र के विरुद्ध भी हैं और संविधान के विरुद्ध भी हैं। तो राहुल गांधी को पूजा अर्चना के लिए जाने देना चाहिए था। अब भारतीय जनता पार्टी ने ये क्यों ऐसा किया ये समझ में नहीं आता है। राहुल गांधी से बार बार कह रहे थे, उनकी वो क्लिप भी हम लोगों के पास होगी शायद, कि वो पुलिस अधिकारी से बहस कर रहे हैं कि आप मुझसे बात कीजिए किस तरीके से और क्यों रोका गया है, तो ये सब वो बातें कर रहे हैं। तो राहुल गांधी को क्यों रोका गया, इससे ये साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई है। हालांकि कल जब हिमंत बिस्व शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उसमें वो थोड़े बदले हुए नजर आए थे, ये समझा जा रहा था कि शायद अब आगे जो कोई व्यवधान भारतीय जनता पार्टी और असम सरकार इसमें कोई नहीं डालेगी, लेकिन वो है कि वो हेराफेरी जो है जो है कुल मिलाकर के उससे वो बाज वहाँ की सरकार में लगता है कि नहीं आई है, तो इस तरीके की ये कार्रवाई सब की गई है। तो अब ये कितना जो है वो भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुँचाता है ये तो अलग का मसला, फ़ायदा पहुँचाएगा नहीं पहुँचाएगा, लेकिन राहुल गांधी की मतलब एक तरह से कहा जाए कि आज सुर्खियां जो हैं वो राहुल गांधी फिर बन गए, यानी हिमंत बिस्व शर्मा जो हैं वो राहुल गांधी को रोज सुर्खियां बनने का जो है कोई ना कोई मसाला प्रदान कर रहे हैं। तो अब ये भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व तो है उसको देखना है कि वो हिमंत बिस्व शर्मा की इन कारगुजारियों पर किस तरीके से रोक लगाता है और राहुल गांधी को सुर्खियां बनने से रोकता है। लेकिन अगर नहीं होता है तो मुझे लगता है कि हिमंत बिस्व शर्मा रोज राहुल गांधी को इसी तरीके से सुर्खियां बनने का एक अवसर प्रदान करते रहेंगे। आचल जी,
जी अमलेंदु जी, बिल्कुल सही आपने कहा। राहुल गांधी जब भारत जोड़ रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं, तो अगर जहां भी जिस राज्य में जाएंगे वहां की जो सभ्यता संस्कृति है, जाहिर सी बात है कि उसको दिखाएंगे और उसको उठाएंगे। अब इसी के तहत जो असम के संत हैं श्री श्री शंकर देव जी, उनकी जो जन्मस्थली है बोरदोबा थान जिसका नाम है, वहां पर वो जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही उन्हें रोका गया। और किस तरीके से राहुल गांधी की जो है कहा सुनी भी हो गई, लेकिन ये पूरा मामला जो है वो दिखाता है कि सिर्फ और सिर्फ कुछ राजनीतिक चंद फायदे के लिए बीजेपी ये बड़ा कदम उठा रही है। और आने वाले दिनों में भारी दिक्कत जो है वो बीजेपी के साथ भी हो सकती है, क्योंकि जो रास्ता है वो बीजेपी दिखा रही है कि किस तरीके से विपक्ष की आवाज दबाना है, कैसे लोकतंत्र का गला घोटना है, ये सब कुछ बीजेपी आज करके दिखा रही है। दीपक जी, सरकारें बाकी लोग जो है बाकी अन्य जो दल है वो इसको कभी फॉलो ना करें, क्योंकि ये कोई बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। देखिए, कोई भी किसी भी देश में कोई राजनीतिक दल कुछ साल के लिए आता है, कुछ सालों में चला जाता है, लेकिन देश और लोकतंत्र जो है हमेशा जिंदा रहता है। बहुत सारे देश आप देखिए जहाँ 100-150 साल की लोकतंत्र की परंपरा है, वहां पर कभी भी ऐसा नहीं होता है। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि जब हम अमृतकाल को पार किए हैं अभी अभी, और बहुत सारी बातें कही जा रही है कि देश बदल जाएगा, नए संकल्पों के साथ नया देश निर्मित हो रहा है, तो क्या ये हमें समझना होगा कि क्या यही वह देश है जिसका हम इंतजार कर रहे थे? क्या यही वो रामराज्य है? एक तरफ तो इतना बड़ा प्राण प्रतिष्ठा वहां पे अयोध्या में किया गया, लोग कह रहे हैं कि कई वर्षों के बाद जो है रामचंद्र की वापसी हुई है, उनका वनवास खत्म हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो जो सारे के सारे अपने जो मतलब वहां की जो प्रक्रिया है वो उसके एक तरफ रख दें, तो राम राज्य में कभी ऐसी कल्पना नहीं की गई थी। आप याद कीजिए कि अगर हम रामचरितमानस को मान के चले कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, तो उसमें तो राजा जो थे वो तो एक धोबी को भी अपने राज्य में आने देते थे, अपने राज दरबार तक आने देते थे, उनकी बात को सुनते थे, उनके अनुसार उन्होंने सीता के ऊपर सीता को बकायदे घर से भी निकाल दिया। कितना सही है कितना गलत है वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन वहां पर पहुंच जो थी ठेठ राजा रामचंद्र तक थी। और यहाँ पर आपका राज्य में एक कोने में एक असम राज्य है, वहां का मुख्यमंत्री जो है वो ऐसे नेता को रोक लेता है जो इस देश का सबसे बड़ा विपक्षी दल का नेता है, जिसके इर्द गिर्द न केवल कांग्रेस घूमती है बल्कि संपूर्ण विपक्ष जो है वो उसका वो धुरी बना हुआ है आज। और वो जा कहाँ रहा था? वो कहीं पे संसद में नहीं जा रहा था, वो कहीं पे कोई ऐसा आंदोलन नहीं करने जा रहा था, हालांकि उसका भी अधिकार है करने का, लेकिन वो तो एक मंदिर में जा रहा था जहां पर देखिए वो जो शंकर देव है वो उनको नव वैष्णव धर्म का प्रवर्तक माना गया है, उनका न केवल धर्म में बल्कि उनका साहित्य कला में भी बहुत बड़ा योगदान माना गया है, उनके भजन बड़े प्रसिद्ध है, असम में कई प्रसिद्ध गायकों ने उनके भजनों को गाया है, तो वो बहुत ही लोकप्रिय और समन्वयवादी एक तरह के वो ये थे, कोई कट्टर किस्म के ऐसे संत या महात्मा नहीं थे वो उनका बिल्कुल एक अलग ही तरह था, उनका बड़ा सम्मान है। और दूसरी बात कि असम के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने अपने ही राज्य में एक मंदिर पे पुजारियों ने किसी को बुलाया है और उसे रोककर वो तो पूरे असम का इनका एक तरह से कहिए कि अपमान कर रहे हैं, ये कोई मेहमान नवाजी नहीं हुई, ये कोई आमंत्रण करने का तरीका नहीं हुआ। मंदिर वालों ने बुलाया, वहां पे राहुल गांधी गए, वो जाना भी चाहते थे, पहले भी उन्होंने कहा था, और उसके बाद आप उनको रोक रहे थे, इसका कोई अर्थ नहीं है। ये तर्क भी उन्होंने बहुत सही ये कहा है कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री ने अपील की है, रामलला ट्रस्ट ने अपील की है कि जो आपके नजदीक का मंदिर है वहां जाइए, दर्शन कीजिए, तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई राम मंदिर में ही जाना है। अगर किसी जगह पर राम मंदिर हो ही नहीं तो क्या वो कृष्ण के मंदिर में नहीं जा सकता? क्या वो शिव के मंदिर में नहीं जा सकता? सारे ईश्वर एक है, हम सब जानते हैं, और सभी विद्वान लोग और जो धर्म से ऊपर उठकर आध्यात्म की बात करते हैं उनका यही कहना है कि सारी शक्तियां एक है, तो जिसको जहां मंदिर नसीब हुआ वो वहां जा रहा है मत्था टेकने, उसको जाने दीजिए। दूसरी बात, ये सीधी सीधी सी बात है कि आप एक तरह का अनावश्यक का टकराव आप जो है वो मोल लेना चाहते हैं, वो शांति से जाते हैं उसके बाद निकल जाते हैं, वो उन्हें कोई लेना देना नहीं आपके लोकल राजनीति से, असम की राजनीति से, राहुल गांधी को तो स्थानीय राजनीति से क्या लेना देना है, उनको तभी और 13-12 राज्यों में और जाना है, तो लोकल पॉलिटिक्स में थोड़ी इन्वॉल्व होंगे, वो तो नेशनल इश्यूज की जो बात कर रहे हैं उसके अलग मंच है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात कर रहे हैं, ठीक है, आप पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, आपकी नाराजगी हो सकती है, तो आपने कौन सा उन्हें जलील करने में अपमानित करने में कोई कसर छोड़ी है? राजनीति में ये जवाब सवाल जो है वो होते रहते हैं, आप एक दूसरे के साथ हिसाब बराबर करते रहिए, लेकिन कम से कम धार्मिक स्थलों को और धर्म के जो चिन्ह है हमारे, अलग अलग संप्रदाय हैं, अलग अलग अखाड़े हैं, अलग अलग शाखाएं हैं हमारे धर्म की, उन सबके बीच अगर कोई अपनी श्रद्धा के अनुसार कहीं जाना चाहता है तो उसे जाने दीजिए। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं कि आप उन्हें सड़क पर बैठने के लिए मजबूर कर रहे हैं,
इससे एक दूसरी बात ये भी हो गई कि अगर ये संकेत अगर देना चाहते हैं हेमंता विश्व शर्मा कि जिस प्रकार से मैंने राहुल गांधी को अपने राज्य में रोका है, अवरोध पैदा किए हैं, आप भी कीजिए, तो आप जानिए कि इससे हमारा जो सामाजिक सौहार्द है उस पर भी आँच आ सकती है। राजनीतिक हमारा ताना बाना तो टूट ही रहा है, लोकतांत्रिक जो हमारा एक तरह से जो समन्वय और सौहार्द हुआ करता था उसको हेमंता विश्व शर्मा जैसा एक बहुत ही मतलब कोई बहुत अच्छे स्तर का पॉलिटिशियन नहीं है, उसकी आप भाषा सुनिए, उसके काम देखिए किस तरीके से दल बदल करके और अपने ही पुराने नेता के खिलाफ बात कर रहा है आज वो, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। इस लोकतंत्र में ऐसी परंपराओं की हमेशा जो है वो एक तरह से निंदा की जानी चाहिए। ये मत देखिए कि कौन सा नेता है वो और कौन रोक रहा है, कौन इसको रोका जा रहा है। असली बात ये आपको अपनी आवाज उठाने का पूरा हक है, आप धार्मिक स्थलों में जाने का हक है, जो हमारे संविधान ने हमें धार्मिक आजादी दी है उसका पालन करने जा रहे हैं वो, उनको रोका जाना बहुत गलत है। और निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि इसका असर जो है पूरे देश में जाएगा। और जहां तक इसकी बात है कि हेडलाइन जो है राहुल गांधी को मिल गई, वो एक अलग मसला है, वो मीडिया का काम है उसको तय करना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही निंदनीय है कि आप किसी को मंदिर में जाने से रोक रहे हैं। ये तो मध्ययुग की बात हुई कि जब कुछ जाति के लोगों को, कुछ लोगों को मंदिरों में जाने से रोका जाता था। आज हमारा संविधान भी है, हमारा कोर्ट भी कहता है कि किसी को भी मंदिर में जाने से आप रोक नहीं सकते, तो इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की बात करके उनको रोकना निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय है। और अधिकारी अगर उनके आदेश मिला है तो बताएं कि किसने आदेश दिया है, और तमाम IPS अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनको भी चाहिए कि वो केवल जायज जो आदेश है उसी का पालन करें, नाजायज और गैर कॉन्स्टिट्यूशनल जो आदेश होते हैं उनका पालन करने के लिए प्रति बाध्य नहीं है, उनको अपनी स्वामी भक्ति दिखाने की जरूरत नहीं है, उनको कानून के अनुसार काम करना चाहिए। आंचल जी। जी दीपक जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि जिस तरीके से रोका गया है ये सरासर गलत है, लेकिन ये पूरा मामला जो है सिर्फ मंदिर जाने का ही नहीं बल्कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोकने का है। आप अगर देखें तो इससे पहले तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वो बढ़ाई गई। पहले ग्राउंड को लेकर विवाद हुआ, उसके बाद रूट को लेकर विवाद हुआ, उसके बाद पार्किंग के लिए जगह ना देने पर विवाद हुआ, तमाम तरह के विवाद हुए, और जब उसमें भी कामयाबी नहीं मिली तो हमले कराए गए, और हमले में भी जब कामयाबी नहीं मिली, आप देखें अगर प्रदेश अध्यक्ष जो वहां के असम के, और उन्हें कितनी चोटें आई हैं, ऐसी तस्वीर है कि हम दिखा भी नहीं सकते। अब ऐसे में उसके बाद भी अगर यात्रा आगे बढ़ती है तो आप सोचिए कि हौसले कितने बुलंद हैं इनके, और जो विपक्ष के नेता हैं वो कितनी ताकत के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसे आप पूरी तरीके से एक साजिश के तहत रोकने की अब कोशिश की जा रही है। अगर आप इसके बावजूद भी चलते हैं तो हम आपको सरासर रोक देंगे और आगे नहीं बढ़ने देंगे, ये एक तानाशाही का रवैया है। लेकिन इसके खिलाफ भी राहुल गांधी लड़ते हुए नजर आए, राहुल गांधी टकराव की स्थिति में नजर आए, और पहली बार ऐसा दिखा कि राहुल गांधी इतने गुस्से में हो, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि जब उनके विरोध में नारेबाजी हो रही थी और तमाम लोग जो है वीडियो एडिट करके ये दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी जय श्री राम का नारा सुनते ही आपा खो बैठे, लेकिन हकीकत यह थी कि राहुल गांधी ने जब वो नारा सुना तो वो प्यार से नीचे उतर कर आए और उन्होंने सुरक्षा कर्मियों से ये कहा कि आप क्यों रोक रहे हैं उन्हें, आने दीजिए, और प्यार से नीचे आए और प्यार से उन्होंने बात की। हालांकि जो स्थिति वहां पर बनी हुई थी, कोई और नेता होता तो मुझे तो नहीं लगता कि वहां पर वो कूद कर जाता, राहुल गांधी ने साहस दिखाया और उस भीड़ के बीच वो गए, और उसके बाद भी लगातार वो फ्लाइंग किस करते रहे, लगातार वो मोहब्बत की बात करते रहे। अब ऐसे में जब उनकी ताकत दिखी तो उस वीडियो से बीजेपी घबराई हुई थी और बीजेपी को लग रहा था कि अब रोकना मुश्किल है, और ये भी बीजेपी को समझ में आ गया है कि राहुल गांधी अगर ऐसे ही चलते रहे तो जमीन तो उनकी खिसक रही है और लोकसभा चुनाव में भारी नुकसान होने वाला है। कितना भी मीडिया मैनेजमेंट हो जाए, कितना भी तस्वीरें जो हैं वो टीवी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आ जाएं और तमाम बड़े बड़े जो मुद्दे हैं वो खड़े कर लिए जाएं, लेकिन जमीन पर जब बात आएगी, जब लोगों को अपनी दिक्कतें परेशानियां दिखाई देंगी, तो उस वक्त तो राहुल गांधी जो उनके हक के लिए लड़ रहे हैं वही नजर आएंगे, और इसीलिए बीजेपी रोक रही है। लेकिन राहुल गांधी ने वो किस तरीके से वहां पर पुलिस अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की है, जो टकराव की स्थिति बनी हुई है वहां पर, वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। नहीं बताइए, नहीं नहीं मुझसे बात कीजिए प्लीज, मैंने क्या, मैंने आपने परमिशन दिया मुझे, मेरे आप मुझसे बात कीजिए, आपने परमिशन दिया, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मैं हाथ मैं वहाँ हाथ जोड़ना चाहता हूँ, तीन बजे हाथ जोड़ना चाहता हूँ, मैंने क्या गलती की है आप मुझे बताइए, मुझे बताइए मैंने गलती क्या की है, बुलाइए।
तो देखा अमलेंदु जी, जिस तरीके से राहुल गांधी आगे बढ़ रहे थे उन्हें रोका गया और उसके बाद राहुल गांधी साफ तौर पर अधिकारियों से ये कह रहे हैं कि बात क्या हुई आप मुझे बताइए, क्योंकि पहले तो मंदिर वालों ने निमंत्रण दिया था कि आप आ जाइए और जिस अनुष्ठान की बात की जा रही है वो भी वहां पर कुछ नहीं चल रहा है। गौरव गोगोई ने तस्वीरें भी वहां पर जारी कर दी कि राहुल गांधी नहीं आ पाए लेकिन हम वहां पर पहुंचे हैं और जो वहां के स्थानीय नेता है उन्हें तो जाने की इजाजत है लेकिन राहुल गांधी को ही रोका गया है। मतलब ये है कि राहुल गांधी से डरी हुई है सरकार। नहीं, निश्चित तौर पर राहुल गांधी से सरकार या पूरी भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, ये तो साफ तौर पर नजर आ रहा है। जो जिस तरीके के क्रियाकलाप हो रहे हैं, देखिए इस ये यात्रा जब शुरू हुई उसी समय से इस पर लगा था कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से बहुत ज़्यादा डरी हुई है। अब क्यों डरी हुई है तो भारतीय जनता पार्टी समझे वो क्यों डरी हुई है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की क्या कमजोरियाँ हैं जिसकी वजह से वो राहुल गांधी से डर रही है। जब मणिपुर से यात्रा शुरू हुई तो पहले वो इम्फाल में उनको जगह नहीं दी गई यात्रा शुरू करने के लिए, कहा गया कि साहब स्थिति बहुत ख़राब है दूसरी जगह से आप शुरू कर लीजिए। फिर वो थौबल दिया गया उनको, वहाँ से वो यात्रा शुरू हुई। यानी इम्फाल में जिस जगह से यात्रा शुरू होनी थी वहाँ खुद मुख्यमंत्री की रैली हो चुकी लेकिन वो रैली का स्थान जो था वो राहुल गांधी को नहीं दिया गया, तो वहीं से जो थी वो ये शुरुआत एक तरीके से कर दी गई थी कि राहुल गांधी की यात्रा में व्यवधान पैदा किए जाए। फिर सवाल उठाएगा कि साहब वो अरुणाचल प्रदेश क्यों नहीं जा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी तो गए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जाने का मतलब है कि चीन की आँख में आँख डाल के राहुल गांधी ने संदेश दे दिया कि भारत का विपक्ष का सबसे बड़ा नेता जो है वो अरुणाचल की धरती से होकर के जा रहा है, फिर असम में प्रविष्ट हुए। अब उसके बाद जिस तरीके से हिमंता बिस्व शर्मा की बातें आईं कि वो मुकदमा दर्ज कर लूँगा और गिरफ्तार कर लूँगा और जिस तरीके से उन सब बातें की, उससे मुझे लगता है कि उकसावे वाली वो चीज़ें थी हिमंता बिस्व शर्मा की उस भाषण ने उकसावे का काम किया एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में। तो जाहिर सी बात है कि जब कार्यकर्ता जो है वो दिल पर चुकी ले लेता है चीज़ों को, उसे लगा कि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में है और मुख्यमंत्री काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में, प्रधानमंत्री भी काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में है राहुल गांधी की इस यात्रा से, तो इस तरीके के वो हमले जो थे वो राहुल गांधी की यात्रा के ऊपर हुए। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से नीचे उतर के उन कार्यकर्ताओं के बीच, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जाने की कोशिश की, उससे यह साफ जाहिर हुआ कि राहुल गांधी किसी से डरने वाले नहीं। और राहुल गांधी ने यह कहा भी कि हम ना प्रधानमंत्री से डरते हैं ना असम के मुख्यमंत्री से डरते हैं। तो राहुल गांधी किसी से नहीं डरते, मुझे लगता है कि यही राहुल गांधी का ना डरना जो है ये भारतीय जनता पार्टी को बार बार डराता है। और राहुल गांधी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जब बार बार डराते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की इस तरीके की प्रतिक्रियाएं होती हैं, कभी उनकी यात्रा रोकने की कोशिश की जाती है, कभी यात्रा पर हमले होते हैं, और आज तो जो उनको एक तरीके से कहा जाए पूजा अर्चना करने से ही रोकने की कोशिश की गई। यानी कि कोई भी धार्मिक व्यक्ति जो है, खासतौर से कोई भी धार्मिक आस्थावान हिंदू जो है, वो किसी दूसरे आस्थावान हिंदू को पूजा अर्चना करने से रोकने की चेष्टा नहीं कर सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके का काम करने की कोशिश की है। अब उसमें मैंने देखा कि कल जयराम रमेश ट्वीट कर रहे थे कि उनकी यात्रा के ऊपर, उनकी गाड़ी के ऊपर जहां हमला हुआ, बताया जाता है कि उस जगह का जो एसपी है वो हिमंता बिस्व शर्मा जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनका भाई है। अब मुझे नहीं मालूम कि है कि नहीं है, लेकिन जयराम रमेश जो इस तरह की बात ट्वीट कर रहे हैं, अगर जयराम रमेश ने जो ट्वीट किया है वो बातें सही हैं तो ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस यात्रा से घबरा गए हैं और इसलिए जो है राहुल गांधी की यात्राओं के ऊपर हमले, प्रशासन के जरिए उसमें रुकावटें डालने का काम जो है ये सब किया जा रहा है। लेकिन ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, खासतौर से डेमोक्रेसी में इस तरह की, चूँकि आज ठीक है आप सरकार में हैं, कल को जनता आपको उतार फेंकेगी तो फिर दूसरा फिर सत्ता में आएगा तब आपके साथ इस तरीके की फिर चीज़ें हो सकती हैं। तो इसलिए राजनीति में इस तरीके के व्यवहार जो है दूसरे दलों के लोगों के साथ, खासतौर से बड़े नेताओं के साथ इस तरीके के व्यवहार नहीं करने चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जिनकी परवरिश जो है अगर लोकतांत्रिक संस्कारों में नहीं हुई है और जिनको लोकतांत्रिक संस्कार नहीं मिले हैं तो उनसे आप इस तरीके की आशा नहीं कर सकते आंचल जी। जी अमलेंदु जी, और अब इस पर कांग्रेस ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया है क्योंकि कांग्रेस के लिए संजीवनी की तरह है लगातार जो उन पर हमले हो रहे हैं वो भी जनता देख रही है। जनता ये समझ रही है कि लोकतंत्र में कहां पर, जिस तरीके से बीजेपी ये कह रही है कि हमारे देश में किस तरीके से विकास हो रहा है, राम राज्य आ गया है, वहां पर कितना लोकतंत्र बचा हुआ है और कितना राम राज्य चल रहा है वो भी जनता समझ रही है और देख रही है। एक तरफ प्रभु श्री राम मंदिर में जाकर प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हो रहा है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के खिलाफ जाकर और किस तरीके से लोगों के हक को मारा जा रहा है और एक तरीके से विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। जिस राम राज्य की ये बात कर रहे हैं, जिस प्रभु श्री राम की बात कर रहे हैं, अगर उनका अनुसरण करेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। लेकिन किस तरीके से एक ऐसा नेता जो लोगों के लिए जमीन पर उतरा हुआ है, जो हक की और न्याय की बात कर रहा है, जो जोड़ने की बात कर रहा है, उसे तोड़ने के लिए यात्रा को रोका क्या है। लेकिन आप देखें राहुल गांधी जो है वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इससे ये दिखाई देता है कि कितनी भी कोशिश हो जाए कांग्रेस नहीं रुकने वाली, क्योंकि कांग्रेस की जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है वो सिर्फ यही है कि अब लोगों के लिए लड़ाई लड़ना ही है। और इसीलिए कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया शीनत ने भी जमकर पलटवार किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपको पहले सुनाएंगे और उसके बाद दीपक जी से इस पर एक बड़ा कमेंट चाहेंगे। आपको लगता है कि मंदिर जाकर दर्शन करना किसी की भी श्रद्धा हो सकती है,
उसकी श्रद्धा में रोड़ा बनने का, उसकी श्रद्धा में खिलवाड़ करने का काम हेमंत बिस्व शर्मा अपने निरंकुश शासन से कर रहे हैं। असलियत यह है कि हम शांति से मंदिर जाते, वहां पर दर्शन करते, उनके मूल्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लेते और ये यात्रा अनवरत आगे चलती रहती। ऐसा ना करके कहीं ना कहीं हमारे इष्ट और हमारे बीच में हर बार बिचौलिए बनने का, रोड़ा बनने का काम किया गया। अगर मैं ये कह रही हूँ, राहुल जी तो खुद अकेले जाने को तैयार है मंदिर, वो कह रहे मैं अकेले जा सकता हूँ, उनको भी नहीं जाने दिया जा रहा है। तो ये पाबंदी सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के लिए है, क्योंकि गौरव गोगोई और बाकी लोग वहां पर गए हैं और उससे कोई आपत्ति नहीं हुई। ऐसा क्यों है, ये दोहरा मापदंड क्यों है? वक्ता सुप्रिया श्रीनत की, और अगर देखा जाए तो सुप्रिया जिस तरीके से पलटवार करती है, बीजेपी को सबसे ज्यादा मिर्ची इसी बात से लगती है। लेकिन लोकतंत्र में जहां पर पक्ष भी मजबूत हो और विपक्ष भी मजबूत हो, उसकी भी आवाज आनी चाहिए। अगर वहां पर आप विपक्ष की आवाज ही बंद कर देंगे, उसे ही अगर आप बाहर नहीं निकलने देंगे, तो कैसे लोकतंत्र मजबूत होगा? दीपक जी, देखिए, राहुल गांधी को अगर आप नेता ना माने, आप उन्होंने विपक्षी ना माने, तो भी एक नागरिक के रूप में उनके पास जो अधिकार है, उन अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। और किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री है, उसका सबसे बड़ा दायित्व यही होता है कि वो अपने राज्य के नागरिकों की रक्षा करे और उसको उसके अधिकारों का जो है उपभोग करने दे। अगर लेकिन यहाँ पर देखिए बिल्कुल उल्टा हो रहा है कि आप एक व्यक्ति जो जाना चाहता है मंदिर, आप उसको रोक सकते हैं। मैंने अपने पहले राउंड में इसके ऊपर वैसे भी काफी बातें कर ली, लेकिन अब होगा ये कि जैसे जैसे राहुल गांधी आगे बढ़ेंगे, ये टकराव कहीं बढ़ना नहीं चाहिए। देखिए, होता यह है कि अपना संवैधानिक अधिकारों के अंतर्गत राहुल गांधी यात्रा करें, जितने नियमों का पालन आपको करवाना उतने पालन आप कर सकते हैं, लेकिन आप किसी की नागरिक स्वतंत्रता को नहीं छीन सकते। ये सबसे बड़ा जो है, ये एक तरह से किसी भी लोकतांत्रिक देश का सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। और अगर ये काम किसी सरकार की ओर से होता है, तब तो बिल्कुल अक्षम्य अपराध है, ये कहा जा सकता है। और उन्हें आखिर तक नहीं बताया जा रहा है कि आप उसे क्यों रोक रहे हैं। और वो देखिए, नागरिक को जानने का भी हक हो रहा होता है कि उसके ऊपर कोई पाबंदी क्यों लगाई जा रही है, या उसे किसी काम के लिए क्यों रोका जा रहा है। कि मैं केवल मंदिर जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको अगर कहीं पर सड़क पे चलने से रोका जाएगा, तो आपको ये जानने का हक है कि आपको सड़क पे क्यों नहीं चलने दिया जा रहा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि नागरिक के रूप में भी जो अधिकार है, वो एक तरह से छीने जा रहे हैं। और जहां तक हेमंत बिस्व शर्मा की बात है, तो उनका बैकग्राउंड तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा इस तरीके का है नहीं, कि कोई उदास किस्म के व्यक्ति है नहीं वो। और वो बीजेपी में जाके उनमें और भी ज्यादा कट्टरता आ गई है। और जैसा कि हम कई बार पहले भी कह चुके हैं कि उनका जो उद्देश्य है, जो अगले इस साल जो चुनाव होने जा रहे हैं लोकसभा के, उस पर भी उनकी नजर है। उन्हें ये डर है कि राहुल गांधी का इतना बड़ा शो असम में होगा, और अगर उन्होंने यहाँ पर लोगों का जो रुझान बदल दिया, तो उनका अपना मुख्यमंत्री का पद जो है वो भी संकट में आ सकता है। इसलिए वो टकराव कर रहे हैं। कल उनका थोड़ा सा जो टोन था, थोड़ा टोन डाउन हो गए थे, थोड़ा बेहतर लहजे में बात कर रहे थे, लेकिन आज उन्होंने जिस तरीके की ये हरकत की है, निश्चित रूप से बहुत ही गलत है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये निश्चित रूप से निंदनीय है, इसको पूरे देश में सभी लोगों को इसके बारे में आवाज उठानी चाहिए, खासकर जो कांग्रेस से जुड़े लोग हैं। और ये अच्छी बात है कि उठाई भी जा रही है, वहां पर जयराम रमेश ने इसकी भर्त्सना की, उसके बाद इन्होंने सुप्रिया श्रीनेत से बात की। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वातावरण और बनेगा, और एक तरह से गलती कर रहे हैं, सियासी तौर पर भी गलती कर रहे हैं हेमंत बिस्व शर्मा। उनके लिए सबसे अच्छा उनकी भलाई में यही होगा कि इस यात्रा को अगले 4-5 दिन और जहां जहां उनको जाना है, यहां राज्य से निकल जाए, ताकि उनकी मुसीबतें जो है कम हो। लेकिन वो एक तरह से मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं, इसका विपरीत असर उन पर हो सकता है। जी दीपक जी, मैं इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताना चाहूंगी कि कांग्रेस ने एक और ट्वीट कर दिया है, और ये ट्वीट जो है वो हेमंत बिस्व शर्मा को लेकर है। साफ तौर पर अब कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि ना तो यात्रा रुकेगी, और जो बड़ा खुलासा होने वाला था वो भी होकर रहेगा। दरअसल आप सभी जानते हैं कि पहले ही कांग्रेस ने बता दिया था कि 23 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें कई बड़े खुलासे भी किए जाएंगे। राहुल गांधी जो लगातार असम में रहकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वहां क्या कुछ चल रहा है, सरकार किस तरीके भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, ये सारी बातें राहुल गांधी दुनिया को बताएंगे। राहुल गांधी मीडिया के सामने भी लेकर आएंगे और बताएंगे कि क्या कुछ यहां पर चल रहा है, और उन लोगों से भी मुलाकात हो सकती है जो लोग परेशान हैं, जो पीड़ित हैं। और प्रदेश अध्यक्ष ने पहले ही खुलासा किया था, और नाव पर आपको याद होगा ब्रह्मपुत्र नदी के पास, नाव पर नदी में जो नाव पर वो बैठे हुए थे, किस तरीके से बातचीत कर रहे थे, वही जो तस्वीरें हैं वो एक बार फिर से राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से जारी की गई है। कांग्रेस ने लिखा है कि ये जनता की यात्रा है, रुकने वाली नहीं है। और जो मुख्यमंत्री को लेकर कटाक्ष किया गया था, जो हमला कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी की तरफ से बोला गया था, वो बयान भी है। और राहुल गांधी साफ तौर पर यह कह चुके हैं
कि भ्रष्टाचार में डूबी सरकार की जो पोल पट्टी है वो खुलेगी और जो मुख्यमंत्री हैं वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। अब ऐसे में हिमंत बिस्वा सरमा डरे हुए हैं, शायद उनकी सच्चाई सामने ना आ जाए, इसीलिए शायद रोकने की कोशिश हो रही है, क्योंकि कोई और बड़ी वजह तो सामने नहीं आ रही है। जब स्थानीय नेताओं को जाने दिया जा रहा है, भारत जोड़ो यात्रा को रोका जा रहा है सिर्फ राहुल गांधी की वजह से, तो बड़ी वजह यही हो सकती है। और लगातार इस बात की चर्चा भी हो रही है कि राहुल गांधी जो ये कह रहे थे कि हम यहां पर जो कुछ भी चल रहा है और जो लोगों की दिक्कत परेशानी है वो सामने लेकर आएंगे, शायद उसी से डरे हुए हैं। अमलेंदु जी, आप देखें किस तरीके से कांग्रेस की तरफ से बड़ा जो है ट्वीट किया गया है और ये बताया गया है कि यात्रा रुकने वाली नहीं है, और राहुल गांधी का एक बार फिर से वही बयान है जो उन्होंने पहले दिया था, हिमंत बिस्वा सरमा पर उन्होंने हमला किया था, अब लड़ाई जो है वो आर पार की नजर आ रही है। निश्चित तौर पर लड़ाई आर पार की नजर आ रही है, और राहुल गांधी के तेवर भी अभी बता रहे हैं कि राहुल गांधी की ये यात्रा जो है वो शुद्ध रूप से राजनीतिक है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आर पार के मूड में राहुल गांधी अब दिखाई पड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से जो चीज़ें की हैं, जिस तरीके से यात्रा में व्यवधान डालने की कोशिशें की, देखिए भारत जोड़ो यात्रा जो पहली बार राहुल गांधी की निकली थी तो उसमें इस तरीके के व्यवधान डालने की कोशिश नहीं की गई थी, लेकिन चूंकि अब चुनाव सिर पर है और आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से एक अयोध्या में इवेंट आयोजित करने की कोशिश की, उसे अपना कार्यक्रम बताने की कोशिश की जिस तरीके से, और उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ ये यात्रा जो है मुझे लगता है कि सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का घबराहट जो है वो इसी बात को लेकर के है कि राहुल गांधी लगातार सड़कों पे होंगे, जनता के बीच होंगे, और किस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे, तो इससे भारतीय जनता पार्टी जो काफी ज्यादा दिक्कत में नजर आ रही है। जहां तक हिमंता बिस्व शर्मा का सवाल है, मुझे लगता है हिमंता बिस्व शर्मा अकेले इसमें इस काम को करने के लिए उत्तरदायी नहीं हो सकते, इनको निश्चित तौर पर ऊपर से या तो फिर कोई आदेश मिला होगा, जैसे कि कहा गया है राहुल गांधी ने भी कहा कि शायद ऊपर से उनको आदेश है। अब ऊपर वाले अगर इस तरीके का आदेश दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि ऊपर वालों को फिर राजनीति की समझ नहीं आएगा इस तरीके के आदेश देना है। अब पता नहीं ऊपर से ही कोई आदेश है कि नहीं है, क्योंकि कोई भी राजनीति का थोड़ा सा भी समझदार विद्यार्थी भी होगा तो वो ये बात समझ लेगा कि राहुल गांधी के ऊपर अगर इस तरीके के हमले होंगे तो ये राहुल गांधी की ही लोकप्रियता बढ़ाने वाले होंगे। राहुल गांधी इस तरीके से रोकने वाले भी नहीं है, पहली बात, और दूसरी बात, अगर राहुल गांधी को आप रोक भी देते हैं इस तरीके से तो ये राहुल गांधी की लोकप्रियता में ही इजाफा होगा। आंचलिए जी, अमलेंदु जी, यहां पर मैं इस बात को रखना चाहूंगी कि हो सकता है कि कोई बड़ा खुलासा राहुल गांधी करें, कोई बड़ी तस्वीर असम से सामने आ सकती है, इसीलिए ये इस तरीके से रोका जा रहा है। जी अमलेंदु जी, जी बिल्कुल, कल राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं जी। तो वो हो सकता है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी कोई बड़ा खुलासा करें। हम लोगों ने बताया भी था कि राहुल गांधी जो 23 तारीख को एक बड़ा जो है कोई घोषणा करने वाले हैं, कोई बड़ा खुलासा करने वाले हैं, तो हो सकता है कल वो कोई बड़ी बात करें, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है और बेचैनी बढ़ रही हो कि ये 23 तारीख को जो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें राहुल गांधी क्या ना क्या खुलासा करें। चूंकि राहुल गांधी ने जैसे ही असम में प्रवेश किया था तो उन्होंने पहला प्रहार यही किया था कि सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री जो है वो असम के हिमंत बिस्व शर्मा हैं। तो असम के मुख्यमंत्री के ऊपर इस तरीके का हमला आप समझ सकती हैं, लोकसभा चुनाव नजदीक में है, असम में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है, और राहुल गांधी का इस तरीके से हिमंता बिस्व शर्मा पर प्रहार करना जो है वहां कांग्रेस को बूस्ट करेगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कतें पैदा करेगा। तो इसलिए जो है इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा घबराहट में इस तरीके के सारे कदम उठा रही है। चल जी जमलेंदु जी, दीपक जी, इससे पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार ने किस तरीके से बताया था कि 1200 रुपए वहां की जो आम जनता उसे दिए गए, लेकिन जिस तरीके से भ्रष्टाचार बड़ा सामने आया, लाखों रुपए वो सीएम की पत्नी को दे दिए गए। अब ये तमाम ऐसे खुलासे हैं जो वो कर रहे हैं, और तमाम जो घोटाले हैं वो भी सामने आ रहा है, चाहे शारदा चिटफंड का घोटाला हो, तमाम घोटालों में इनका नाम सामने आ रहा है, और ये जो घोटालों के आरोप लगाए गए हैं वो बीजेपी की तरफ से ही लगाए गए थे, और अब एक एक करके कांग्रेस उजागर कर रही है, और कांग्रेस बता रही है कि इस वक्त जो यहां के सीएम हैं वो किस तरीके से जनता को लूट रहे हैं, और असम की जो सारी संपत्ति है वो एक एक करके अपने कब्जे में ले रहे हैं। कोई शायद इसी से जुड़ा बड़ा खुलासा जो है वो हो सकता है, इसीलिए इस यात्रा को रोका गया है, क्योंकि कोई भी अगर राजनेता होगा तो किसी विपक्ष की यात्रा को नहीं रोकेगा ताकि कोई हंगामा ना हो और ज्यादा मीडिया हेडलाइंस जो है वो ना बने, लेकिन राहुल गांधी की इस यात्रा को शायद इसीलिए रोका जा रहा है ताकि वो खुलासा ना हो और हम सेफ जोन में रहें। देखिए ऐसा है कि इसको रोक देने से ही कोई आवाज नहीं रुक जाएगी, ये जो खुलासा है ये तो किसी दूसरे राज्य में जाकर भी किया जा सकता है, ये तो किसी सोशल मीडिया के जरिए भी किया जा सकता है, दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी किया जा सकता है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोकने के लिए जो है इस यात्रा को रोका जा रहा है। इस न्याय यात्रा को रोकने का मकसद यह है कि उनके साथ लगातार बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं, और हिमंता बिस्व शर्मा को हाईकमान की नजरों में अच्छे बना रहना जरूरी है, और इसे साबित आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा।
इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।